हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है तुहाडा साडे यूट्यूब चैनल पैरी स्टडी ऑनलाइन ते। लास्ट पहलियां तीन वीडियो दे विच आपां डिस्कस कर चुके हैं। पहली विच अलजैबरिक एक्सप्रैशन दे बारे डिस्कस किया, सैकेंड विच लीनियर इक्वेशन एंड डिग्री दे बारे पढ़िया, थर्ड वीडियो दे विच आपां 8.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट पढ़िया जिंदे विच आपां स्टेट ऑफ इक्वैलिटी एंड स्टेट ऑफ इनइक्वैलिटी दे बारे पढ़िया। हुण सैकेंड पार्ट दे विच आपां देखो, आइडेंटीफाई द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरीएबल फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशनस। हुण सारियां आपां नूं इक्वेशन गिवन है, छे आपां नूं क्वेश्चन गिवन है, छे दी छे इक्वेशन है। इक्वेशन का पता किवें लग्गिया? क्योंकि सारियां दे विच की है, इक्वल टू द साइन यूज हो रहा। देखो छे क्वेश्चन है, छे दे विच की है, इक्वल टू द साइन यूज हो रहा, दैट इज स्टेट ऑफ इक्वैलिटी। ये सारियां की है, इक्वेशन है। वीडियो नूं अंत तक जरूर देखिया जा करो ताकि जो भी नॉलेज है तो चंगी तरह समझ आ सके, जो भी क्वेश्चन है, जो भी प्रॉब्लम है चंगी तरह तुहानू समझ आ जाए। हुण आपां इन चो आइडेंटीफाई करना है वन वेरीएबल कौन है। वन वेरीएबल दे बारे पढ़ना आपां। वन वेरीएबल मतलब जां एक्स होएगा कल्ला, जां कल्ला वाई होएगा, जां कल्ला जेड होएगा। ओके, कुछ इस तरह दा होगा। इंग्लिश वाला लैटर एक बार ही होएगा, ठीक है, सिंगल होएगा। दो तीन बार लिखा हो सकता सेम लैटर, सेम लैटर एक या दो बार लिखा हो सकता है, पर की है लैटर डिफरेंट नहीं आएंगे, या एक्स वाई कट्ठे नहीं आएंगे, वाई जेड कट्ठे नहीं आएंगे, इस तरह का कुछ नहीं आएगा। जिमें अपने कोल पहला क्वेश्चन है, 2x + y = 8। देखो तो इंग्लिश वाले दो लैटर यूज हो रहे हैं, एक एक्स एंड एक वाई, दैट मीनस हेयर टू वेरीएबल। इतने आप वेरीएबल यूज कर रहे हैं, दो वेरीएबल, कि वेरीएबल है एक एक्स, सैकेंड की अपने को वाई। देखो इंग्लिश वाले दो लैटर है, ओके, इंग्लिश वाले दो लैटर है, दोवें की है डिफरेंट है, दैट मीनस लीनियर इक्वेशन है। पर किन्ने वेरीएबल अपने कोल? दो वेरीएबल। केड़े वेरीएबल है? एक एक्स एंड सैकेंड की है वाई। हुण आपां सैकेंड क्वेश्चन ते आउणे आ। देखो वाई वाई दो वरां आ रहा, पर लैटर की है सेम है, ठीक है, दो वरां आ जाए कोई दिक्कत नहीं, सेम होवे, ठीक है, तो की आपां लिखांगे? वन वेरीएबल, दैट इज वन वेरीएबल। दो बार आ गया कोई दिक्कत नहीं, पर लैटर की है सेम है, केड़ा वेरीएबल अपने कोल? वाई। ब्रैकेट च आप जरूर दसांगे वेरीएबल केड़ा है, दैट इज़ अ वाई। दो बार आ रहा कोई प्रॉब्लम नहीं, पर लैटर की है सेम है। सो आप लिखांगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरीएबल। हुण आप थर्ड क्वेश्चन देखांगे, z + x = y - 4। देखो इतने एक्स वाई जैड तिने ही आ रहे, तिने की है डिफरेंट है। ओके, तो आप लिखांगे लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरीएबल, दैट इज थ्री वेरीएबल। केड़े वेरीएबल है? एक्स वाई एंड जैड। एक्स भी आ रहा, वाई भी आ रहा, जैड भी आ रहा, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरीएबल। ओके, वेरीएबल केड़े है? एक्स वाई एंड जैड। उस तो बाद डी, x + 8 = y - 5। एक्स भी आ रहा, वाई भी आ रहा, दैट मीन्स दो वेरीएबल है। ओके, दोवें डिफरेंट है, लैटर इंग्लिश के डिफरेंट लैटर है, एक एक्स है एक वाई, दैट मीनस टू वेरीएबल। ये अपने कोल की है? दो वेरीएबल है। केड़े केड़े वेरीएबल है? पहला एक्स है, दूजा अपने कोल की है वाई। तो आप लिखांगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरीएबल, वेरीएबल आप यूज़ किए, दैट इज एक्स एंड वाई। उस तो बाद आप देखते ई पार्ट, 1/5 b² = 2। पहली गलत है, लीनियर इक्वेशन ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि b की पावर की है? 2 है। b की पावर कितनी है? 2 है। पर आप चलो वेरीएबल दसने, वेरीएबल आप दस दें किन्ने वेरीएबल है, इतने वन वेरीएबल है, दैट इज वन वेरीएबल। केड़ा वेरीएबल अपने को? b। बट इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, ये अपने को लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी डिग्री कितनी है? 2। डिग्री का मतलब पावर, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। देखो आप इस तरह लिख देने, बी दी पावर 2, दैट इज़ द डिग्री, डिग्री कितनी है अपने को? 2, दैट इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन। क्वेश्चन गलत स्टेटमेंट गिवन है अपन, ये अपने को लीनियर इक्वेशन नहीं है। पर वेरीएबल पूछे, वेरीएबल आप दस दें, वेरीएबल एक वेरीएबल है, केड़ा वेरीएबल अपने को? बी। उस तो बाद आ गया अपने को एफ पार्ट, 1/3 of x + 7 = 10। हम देखो 1/3 of x + 7 = की आ गया? 10 आ गया। अपने कोल किया देखो सिंगल लैटर वाला इंग्लिश का, तो आप की लिखांगे? वेरीएबल किन्ने आ, वेरीएबल किन्ने आ? 1। केड़ा वेरीएबल यूज कर रहे हैं आप? एक्स, एक्स यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ अ वन वेरीएबल। तो हम पूरे क्वेश्चन के छे दे छे पार्ट के आप देखिए किन्ने वेरीएबल है। जे आप पूछा जाए वन वेरीएबल वाले किन्ने, तो अपने कोल दो है, एक तो बी पार्ट एंड सैकेंड इज़ अ एफ पार्ट। बी एंड एफ हैव वन वेरीएबल,
बी ते एफ दे अपने कोल की है वन वेरीएबल है इत्थे की सी वेरीएबल अपने कोल वाई एफ च अपने कोल की है एक्स सो दिस इज सैकेंड पार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 8.1 नैक्सट वीडियो दे विच आपां थर्ड पार्ट नू सॉल्व करांगे